रायसेन जिले के उदयपुरा में 100 वर्षों से चली आ रही परंपरा का निर्वाह करते हुए उदयपुरा के श्रीराम जानकी बड़ा मंदिर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण विमान में बैठकर जल विहार के लिए नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए लोधीपुरा पहुंचते हैं, जहां जल विहार किया गया वहीं भक्तों की संगीत टोली साथ निकली है। लोगों का मानना है कि भगवान विमान में बैठकर नगर का भ्रमण करते हैं और इस परंपरा को 100 वर्षों से किया जा रहा है। फिर हांडी फोड़ी जाती है जो 35 फीट की बांधी गई है, जिसे नगर की टोलियों द्वारा तोड़ा गया है। लोग विमान के नीचे से निकलते हैं, इसे भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद माना जाता है। करीब 100 वर्ष से अधिक हो गया इस परंपरा को, और शायद मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश में अष्टमी के बाद, अष्टमी के दूसरे दिन भगवान का जब जन्म होता है, अष्टमी रात्रि 12 बजे सब मंदिरों पर पूजा पाठ होता है, उसके बाद दूसरे दिन विमान केवल दो जगह निकलते हैं, एक उदयपुरा और एक छिंदवाड़ा। और ये बहुत पुरानी परंपरा है हमारे उदयपुरा की। आज भगवान के विमान निकाले जाते हैं, शहर में भ्रमण होता है उनका, और भ्रमण के बाद वो पुनः रात्रि विश्राम होता है, और रात्रि में रात भर भजन पूजन होता है। और ये कई वर्षों से हम पूर्वजों से देखते आ रहे हैं, ये मनाते चले आ रहे हैं, और ये परंपरा हमारे उदयपुरा में आज भी सुचारू रूप से चल रही है। हाँ, आज भगवान जल विहार के लिए निकलते हैं, और हमारे उदयपुरा के पास एक नदी है, वहाँ पर जाते हैं, वहाँ से लौट कर आते हैं, फिर गांव में सीधा भ्रमण करते हुए पुनः मंदिर पर पहुँचते हैं। भारत सरकार की और मध्य प्रदेश सरकार की जो कोविड गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के तहत, चूँकि पिछले वर्ष कोई भी त्यौहार नहीं मना पाए थे कोविड के कारण, और हिंदू परम्परा में अगस्त माह से सारे त्यौहार शुरू हो जाते हैं जो कि दीपावली तक चलते हैं, और पिछले वर्ष जब मना नहीं पाए थे तो इस वर्ष बहुत उत्साह था लोगों में। फिर भी भारत सरकार की जो गाइडलाइन है कोविड, उस गाइडलाइन के तहत उसका पूरा पालन करते हुए, पिछले साल नहीं मना पाए थे तो इस साल भी ये परंपरा मनाई गई। पिछले साल ही मनाई थी लेकिन बहुत छोटे रूप में मनाई थी, मंदिर पर ही ये परंपरा का निर्वाह किया गया था। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए रायसेन से कुमार राजेश की रिपोर्ट।